देर कैन बी अ प्लान बी इवन इफ देर इज नो प्लान बी एंड इवन यूपीएससी और एमपीपीएससी वॉज योर प्लान ए देर आर मेनी थिंग्स टू बी डन इन लाइफ सो नेवर गेट डीमोटिवेटेड. Hello everyone, this is Harshal Chaudhary, Deputy Collector 2019 batch. Right now I'm posted as SDM in Jatara, Tikamgarh. So there were a few questions which students have asked the officer mein unhone kuch questions puche hue hain. So I'll try to figure out the answer for a few questions. To pehla question yahan pe hai, a single advice for college fresher who has thought of giving MPPSC. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज के लिए मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि कॉलेज का आपका करिकुलम खुद चलता रहता है, एक सिलेबस आप पढ़ते रहते हैं जिसके लिए आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, बट आप अलॉन्ग विद डैट जैसे कि जॉब के साथ कोई प्रिपरेशन करता है इन द सेम मैनर कॉलेज के साथ भी आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज़ टेक आउट 4 hours एटलीस्ट, और कॉलेज टाइम पर अगर आप कम भी समय निकाल पाते हैं तो 3 hours तो आप मैनेज कर पाओगे अगर आप अपना बैलेंस बना के चल रहे हैं और एक टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो 2-3 घंटे आप दिन में निकालिए. और आपको एनसीईआरटी से, क्योंकि आप कॉलेज में ही हैं तो आपने रेफरेंस बुक्स बेसिकली बाद में पढ़नी है, पहले आपको फाउंडेशन अपना तैयार करने के लिए एनसीईआरटीज या एमपी बोर्ड की बुक्स हों तो उनकी आप स्टडी करिए, बुक लिस्ट आप देख लें. जब आपका फाउंडेशन तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको रेफरेंस बुक्स में जंप करना चाहिए. साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स कंटिन्यूएशन में पढ़ते जाइए, मेड बी अ न्यूज़पेपर और दी रेगुलर मंथली करेंट अफेयर मैगजीन्स, तो इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. और देर आर एग्जाम्पल्स, आई मीन हमारे बैचमेट ही आपने निकिता जो हमारी बैचमेट हैं या तरुण जो हमारे बैचमेट हैं दे वर जस्ट 21 or 22 वेन दे क्लियर्ड एमपीपीएससी. लास्ट ईयर ऑल्सो अक्षय सिंह मरकाम सर वॉज देयर, ही हैज़ क्लियर्ड एमपीपीएससी एट द एज ऑफ 21 मोस्ट प्रोबेबली. तो देव ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेन देवर इन कॉलेज और उन्होंने बहुत ही ईजिली अपना टाइम मैनेज करके प्रिपरेशन की और क्लियर भी किया. सो बेसिकली द की इज़ टाइम मैनेजमेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू ओवरकम द मेंटल प्रेशर ड्यूरिंग प्रिपरेशन. सो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, मेंटल प्रेशर सभी को होता है प्रिपरेशन के दौरान. मैं बींग द टॉपर आई वुड से कि मुझे भी लास्ट मोमेंट तक, जब तक हमारा रिजल्ट अनाउंस नहीं हो गया था तब तक ये डाउट था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. और ये जो बाइनरी सिचुएशन आती है कि होगा कि नहीं होगा, इसकी वजह से प्रेशर होता है. कभी आप खुद को डिमोटिवेट करते हैं ये सोच के कि शायद मेरे ईयर मैं फ्रेश प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हो सकता है कि लोग 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हों तो ज़्यादा सीनियर हैं प्रिपरेशन में, उन्होंने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं. तो आप डिमोटिवेट होने के लिए जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं सबको इमेजिन करते हैं और ख़ुद को उस प्रोबेबिलिटी में लीस्ट प्रोबेबल मानते हैं. सो दिस क्रिएट्स प्रेशर. बट जब आपको इस तरीके से प्रेशर आता है तो आप ये सोचिए कि देर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने एट द एज ऑफ 21 क्लियर किया हुआ है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है, जो आर्ट्स वाले थे, कभी अगर ये लगे कि आर्ट्स वालों का नहीं होता, साइंस वाले ज़्यादा हैं सिलेक्शन में, तो आर्ट्स वालों ने क्लियर किया हुआ है. देर आर एग्जाम्पल्स जिसमें 40% मार्क्स, 45-50% जिनके मार्क्स रहते थे 10th में और 12th में, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी क्लियर किया हुआ है. सो द बेसिक की इज़ योर डिसिप्लिन एंड योर परसिवरेंस, आपकी मेहनत और आपकी लगन, आपका जो डेडिकेशन है वो आपको सिलेक्शन देता है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स. और ये जो डीमोटिवेशन है या जो एक मेंटल प्रेशर है वो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, उससे आप बच नहीं सकते. आप कितने भी कॉन्फिडेंट हों आपको प्रेशर रहेगा. सो टू द बेस्ट थिंग टू ओवरकम प्रेशर इज़ थिंक अबाउट दी एग्जाम्पल्स जिन्होंने लीस्ट रिसोर्सेज के साथ और एडवर्स सिचुएशंस में भी क्लियर किया है. डैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. द थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड हियर इज़ वेयर यू एन एवरेज स्टूडेंट और अ टॉपर. सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई वॉज ओके, फॉरगेट अबाउट द थिंग वेदर आई वॉज अ टॉपर और नॉट, बट आई नो द एग्जाम्पल्स इन विच स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ इन गुड पोस्ट्स, they were the ones who have scored second division in their 10th and 12th. So they were the last in their class. But even then they have prepared for MPPSC and they have done that. The basic requirement for MPPSC is graduation. It does not ask for your percentage. Okay? तो आपके percentage कितने भी कम रहे हों student life में, अगर आपकी इस एक साल की जो preparation है वो focused रहेगी और इसमें आप hard work करते हैं तो definitely आपका selection होगा
इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई टॉपर रहा हो या एवरेज स्टूडेंट रहा हो. एंड इफ यू सी दी स्टैटिस्टिक्स देर आर मोर एवरेज स्टूडेंट्स कंपेयर टू द टॉपर्स हु हैव बिकम डी सी. दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज प्लान बी. ओके प्लान बी एक होना चाहिए हमेशा बिकॉज वेन यू हैव सम अदर प्लान तो आपको फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा कम हो जाता है. फॉर मी देर वॉज नो प्लान बी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन जॉब. सो प्लान बी फॉर मी वॉज एम पी पी एस सी एंड आई केम इन टू दिस प्लान बी एंड सक्सीडेड. एंड वन मोर थिंग क्योंकि प्लान बी की बात हुई तो मेरा एक एडवाइस आप लोगों को है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं जो एम पी पी एस सी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. दे गिव अ फ्यू अटेम्प्ट और उसके बाद वो जब सिलेक्शन नहीं होता तो डिमोटिवेट होके दे फील एज इफ द लाइफ हैज़ गॉट ओवर फॉर देम. उनको लगता है कि पूरी दुनिया ही उनके लिए ख़त्म हो गई है. सो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट. एम पी पी एस सी और सिविल सर्विस यू पी एस सी वॉट एवर इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. एक चीज़ थी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे जो आपका एक समय में ड्रीम था उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो इट डज़ नॉट गिव यू अ यूनिवर्सल फेलियर टैग या आपको अनसक्सेसफुल टैग वो नहीं दे देता है. सो यू कैन एक्सेल इन वॉट एवर यू कैन और हर फील्ड में जो आदमी एक्सेल करता है उसको अप्रिशिएट हमेशा किया जाता है. देर आर अवॉर्डीज हु हैव वन पद्म भूषण पद्म विभूषण और दुनिया के सारे अवार्ड्स जो लोग लेके आ रहे हैं अलग अलग फील्ड में. सो दे डिडंट डू यू पी एस सी एज सच बट इवन देन दे हैव गेन्ड दी एक्सेलेंस एंड सक्सेस. सो देर कैन बी अ प्लान बी इवन इफ देर इज़ नो प्लान बी एंड इवन यू पी एस सी और एम पी पी एस सी वॉज योर प्लान ए. देर आर मेनी थिंग्स टू बी डन इन लाइफ सो नेवर गेट डीमोटिवेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाई डिड यू बिकम अ सिविल सर्वेंट. सो आई बिकेम अ सिविल सर्वेंट द कोर मोटिवेशन फॉर मी वॉज कि दिस इज़ अ जॉब विच गिव्स यू अ फ्यू थिंग्स एट द सेम टाइम विच इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस जॉब. यही कुछ बातें हैं चार पांच चीज़ें जो इस जॉब को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं इस सर्विस को. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ वाइड एरिना. आपके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें आप काम कर सकते हो. वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है सिविल सर्विस जो आपको सारे डिपार्टमेंट्स को यूनिवर्सली कवर करने का अवसर देता है और क्योंकि आप उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करते हो देखते हो तो आपको सही में सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है इस जॉब में. दैट वॉज फर्स्ट रीज़न. सेकेंडली क्योंकि जॉब इतना वर्सेटाइल है क्योंकि ये सर्विस इतनी वर्सेटाइल है इसीलिए इसके साथ अथॉरिटी जुड़ी हुई है पावर जुड़ा हुआ है क्योंकि विद ग्रेट पावर अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वाइस वर्सा आपको पावर भी चाहिए बिकॉज जब आपके पास पावर नहीं होगी तो आप उतना इन्फ्लुएंस अपना असर्ट नहीं कर पाएंगे. तो नेचुरली पावर है अथॉरिटी है इस जॉब में. डैट वॉज द सेकेंड फैक्टर विच लीड मी टूवर्ड्स दिस जॉब. द थर्ड इज़ क्योंकि इसमें पावर है और क्योंकि इसमें सही में हम कोई पॉजिटिव चेंज ला पाते हैं इसीलिए इस पर्टिकुलर सर्विस से बहुत ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है. एक सोशल रिकॉग्निशन है सोसाइटी में इस पर्टिकुलर सर्विस का. सो दीज वेर अ फ्यू फैक्टर्स जिसने मुझे आकर्षित किया सिविल सर्विस के टूवर्ड्स और इसीलिए मैंने अपने पुराने जॉब से रहते हुए इस सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर यहाँ पे आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ड्यूटी मेड एनी डिफरेंस इन योर पर्सनल लाइफ. सो डेफिनेटली इस सर्विस में आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा आपकी लाइफ को चेंज करते हैं. बट अगेन आई वुड से अ वर्क लाइफ बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड. एक पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में हमेशा एक बैलेंस बना के चलना चाहिए. चेंज आता है बट उस चेंज के साथ आपको कोप करना है. चेंज बेसिकली ये आता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं. आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो ज़्यादा समझदार हो जाते हो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हो. आप टॉलरेंस आपका बढ़ जाता है आपकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस बढ़ जाती है और आपको जिस तरीके से आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया सर्विस से पहले था वो नज़रिया अब नहीं रहता है. सो दिस इज़ द बेसिक चेंज. ओके सो दीज वेर अ फ्यू क्वेश्चंस विच वेर आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन आस्क द ऑफिसर. आई होप आई हैव आंसर्ड देम वेल. देर आर मिलियंस ऑफ अदर क्वेश्चंस ऑल्सो विल फाइंड टाइम टू आंसर देम. आई होप द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी वॉज यूजफुल टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.